नमस्कार साथियों, माध्यमिक शिक्षकों के उच्च पद प्रभार आदेश हुए जारी, उन्हें बनाया गया प्रधान अध्यापक। देखते हैं क्या है आदेश। इसी तरह की शिक्षा विभाग से संबंधित लेटेस्ट अपडेट के लिए देखते रहिए हमारा चैनल। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिए। दिनांक 8/8/2018 की अनुसूची 4 अनुसार माध्यमिक शिक्षक स्नातक को प्रधान अध्यापक माध्यमिक शाला के पद पर विभागीय पदोन्नति समिति द्वारा योग्य पाए जाने एवं पदोन्नति की पात्रता होने पर पदोन्नत किए जाने के अधिकार संभागीय उपायुक्त की अध्यक्षता में गठित समिति को सौंपे गए। संभाग अंतर्गत कार्यरत माध्यमिक शिक्षकों को प्रधान अध्यापक के उच्च पद प्रभार हेतु दिनांक 16/2/2024 को आयोजित बैठक में स्नातक माध्यमिक शिक्षकों की वैधता सूची एवं आरक्षण रोस्टर आदि पर विचार उपरांत निम्नांकित माध्यमिक शिक्षकों को प्रधान अध्यापक का उच्च पद प्रभार हेतु पात्र पाया गया। इन माध्यमिक शिक्षकों की पदस्थापना हेतु कार्यालयीन पत्र क्रमांक द्वारा विकासखंड जिला शिक्षा अधिकारी को, पत्र द्वारा सहायक आयुक्त जनजातीय कार्य जिला खंडवा को पात्र शिक्षकों की सूची प्रेषित करते हुए विकासखंड स्तर पर रिक्त पदों पर पदस्थापना हेतु काउंसलिंग किए जाने हेतु निर्देशित किया गया था। माध्यमिक शिक्षकों की सहमति पत्र प्राप्त कर इस कार्यालय को प्रेषित किए गए। अतः माध्यमिक शिक्षक से प्रधान अध्यापक के पद पर पात्र पाए गए माध्यमिक शिक्षकों की विकासखंड जिला स्तर पर पदस्थापना हेतु आयोजित काउंसलिंग उपरांत संबंधित शिक्षकों से प्राप्त सहमति पत्र के आधार पर काउंसलिंग के दौरान अनुपस्थित शिक्षकों की विकासखंड अंतर्गत रिक्त पदों पर निम्न शर्तों के अधीन उच्च पद प्राप्त प्रधान अध्यापक का प्रभार सौंपते हुए पदस्थ किया जाता है। तो इन माध्यमिक शिक्षकों को प्रधान अध्यापक बनाया गया, सूची दी गई है। सूची प्राप्त करने के लिए आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ सकते हैं। व्हाट्सएप ग्रुप की लिंक हम आपको डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। इसी तरह की शिक्षा विभाग से संबंधित लेटेस्ट अपडेट के लिए देखते रहिए हमारा चैनल। धन्यवाद दोस्तों।